जेएनयू एसयू ने मार्च निकाला, विरोध मार्च निकाला है। जेएनयू छात्र संगठन ने रात में विरोध मार्च निकाला है। एबीवीपी के छात्रों पर हमले के खिलाफ मार्च है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग यहां पर, भोजन के अधिकार पर एबीवीपी के हमले के खिलाफ यहां पर, एबीवीपी के गुंडों पर यहां पर आरोप यहां पर, इसी के साथ यहां पर एफआईआर की यहां पर मांग कर रहे हैं वो। और सैकड़ों जेएनयू छात्र संगठन ने यहां पर विरोध मार्च किया है। तस्वीर देखिए जहां पर विरोध मार्च करते नजर आए। हमारा अपना मर्जी है, हमको जो खाना है वो खाने दिया जाए। उस टाइम एवीपी एकदम मोबिलाइज होके भारी संख्या में हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट शुरू किया। बहुत सटली पहले शुरू हुआ मारना। बहुत लोगों को जैसे लात मारा ताकि वीडियो में कैप्चर ना हो, ताकि ओपन वुंड्स ना रहे। बहुत सटली लात, लगभग सभी स्टूडेंट्स को लात मारा है। मुझे खुद मेरे पैर में बहुत चोट लगी है। और उसके बाद धीरे धीरे वो और वायलेंट होता गया। स्टूडेंट्स को सर पे मारता रहा, मुझे सर पे और आँख पे चाटा मारा, महिलाओं को थप्पड़ मारा। और वहाँ पे गार्ड के प्रेजेंस होने के बावजूद हॉस्टल का जो इक्विपमेंट है, वाईफाई का जो इक्विपमेंट है, उनको तोड़ के स्टूडेंट्स को मारने का कोशिश किया। हमारे सारे कॉमरेड्स पे उन्होंने अटैक किया। अख्तरिश्ता के ऊपर पत्थर मार के उनका सर फोड़ दिया। मेरे हाथ के ऊपर ट्यूबलाइट मार के मेरे हाथ। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, नॉनवेज का ये खाली मसला और उसके बाद इतना बड़ा विरोध हो गया, यहाँ पर आरोप लगाए गए एबीवीपी के लोगों पर, क्या पूरा मामला था जो इतना तूल पकड़ गया? देखिए अभी भी ये बात सही नहीं हो पा रही है या इसका जड़ नहीं पता चल पा रही कि क्या मुद्दा है, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ, चाहे वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, अपने अपने मुद्दों के लेकर बात रखी जा रही है। राइट विंग का ये कहना है कि राम नवमी की पूजा हो रही थी, उसमें विघ्न डाला गया। वहीं लेफ्ट विंग का ये कहना है कि उनके खाने के राइट्स में जो है वो हनन किया गया, वो नॉनवेज है, क्योंकि संडे में अमूमन जो है जेएनयू के हॉस्टलों में मिलता है, हफ्ते में कुछ दिन मिलता है, उसमें संडे भी है। ऐसे में संडे के दिन नॉनवेज खाने से रोका गया एबीपी के, यानी राइट विंग के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, लेकिन एबीपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर सिर्फ ये खाने का ही मामला है, खाने का मामला नहीं है, क्योंकि ये जेएनयू के जितने 18 हॉस्टल है वहाँ पे नॉनवेज जो है वो बना था। साफ तौर पे ये मामला जो है वो रामनवमी में जिस तरह से पूजा का आह्वान किया गया था और हवन का करा जाना था, उसको लेकर विघ्न डालने की कोशिश है। क्योंकि 3:30 बजे के आसपास से ही लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता जो थे, जो नेता हैं, जो छात्र हैं, वो कावेरी हॉस्टल जो है वो वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे छात्रों को रोका जा रहा था। लगभग 200 से 300 की संख्या बता रहे हैं राइट विंग के जो कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि 300 से आसपास जो हैं वो लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता पहुंच गए और उनको पूजा नहीं करने दी जाती, इजाज़त नहीं दी जाती, जिसके बाद फिर प्रशासन जो है वो चौकन्ना हुआ और प्रशासन की मदद से राइट विंग के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा जो है वो की है। वहीं जब अफ्तार का समय हुआ तो अफ्तार भी मुस्लिम जो छात्र हैं जेएनयू के, उन्होंने कावेरी के हॉस्टल में की। उस दौरान कोई भी विवाद नहीं हुआ था, लेकिन जब पूजा ख़त्म होने वाली थी उसके आसपास जो है काफ़ी संख्या में फिर से जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं वो जमा हो गए और उन्होंने पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की, जिसके बाद फिर माहौल बिगड़ा और फिर पत्थरबाजी हुई। हालांकि राइट विंग का ये कहना है कि जो पत्थरबाजी हुई है वो लेफ्ट विंग की तरफ से हुई है, उनके 15 से ज्यादा छात्र जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हाँ, वो घायल हुए हैं और उनको सफदरजंग अस्पताल में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन हमारे संवाददाता अवैस ने वहां पर छात्रों से भी बातचीत की है, छात्र क्या कह रहे हैं सुनिए। जेएनयू में कल रात भारी बवाल हुआ है, हमारे साथ एनएसआई के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हुआ। मसूद, हम ये जानना चाहेंगे कल जो बवाल हुआ किस वजह से हुआ, क्या कुछ हुआ, पूरा घटनाक्रम के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, एबीपी वाले की तरफ से पूजा का आयोजन किया गया कावेरी हॉस्टल में और पूजा पूरी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से चल रही थी। लेकिन इन लोगों का ये कहना था कि जेएनयू में एक ट्रेडिशन चलता है कि हर संडे को, मतलब वीक में 4 दिन वेज और नॉनवेज दोनों बनता है। और लेकिन कल इन लोगों का कहना था कि देखिए सिर्फ आज नॉनवेज ही नहीं बनेगा, सिर्फ वेज बनेगा, चूँकि रामनवमी है। जैसे पूजा और इफ्तार एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से चलिए, लेकिन उसके बाद जब डिनर का टाइम होता है, जब खाने की बारी आती है, चूँकि खाना 100 ही लोगों का सिर्फ वेज वालों का बना था, तो बचे हुए जो छात्र थे वो लोग अपने बोलते हैं, मेस वार्डन से बोलते हैं कि हम लोग खाना प्रोवाइड करा के दीजिए। मेस सिक्योरिटी इनसे कहा जाता है कि हमें खाना प्रोवाइड करा के दीजिए। इस बीच एबीपी के गुंड घुसते हैं, हाथापाई होती है और दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं। जेएनयू में कल रात भारी वॉल हुआ, हमारे साथ दिव्या मौजूद है जिनके हाथ में चोट लगी हुई है। कैसे आपको ये चोट लगी थी, क्या हुआ था, बताइए। मेरे हाथ में कुछ बहुत सारे लोग थे, मुझे इकट्ठा कर दिया गया बीच में, ऐसे ये लोग सब लोग इकट्ठा हो गए थे, मुझे बीच में कर दिया गया था।
तीन चार लड़कियां थी, तीन चार लड़के थे वहाँ पे, मेरे हाथ में कांच का बॉटल डाल दिया था ये लोगों ने, तो उससे डीप कट्स आ गए थे मुझे। तो जिन लोगों ने आपको मारा क्या वो किसके लोग थे, आप बता सकते हैं, आप पहचानते हैं उनमें से किसी को, किसी का नाम अगर आप ले सकें? नहीं, मैं किसी को किसी का नाम तो नहीं पता है मुझे, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नोन फेसेस है, और आई विल रिकॉग्नाइज देम। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी दिव्या। कल रात जिस तरह से JNU में भारी बवाल हुआ है, उसके बाद फिर दिव्या के हाथ में भी चोट आई थी और उनसे हमने बात की। अभी फिलहाल उन्होंने रिटर्न शिकायत जो है वो नहीं दी, उनका कहना है कि वो थोड़ी ही देर में रिटर्न शिकायत जो है वो भी कंप्लेंट दर्ज कराएंगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आदर्श समाचार दिल्ली।